हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मेवे के लड्डू यानी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसे हम गोंद के लड्डू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम खाने वाला गोंद यूज करने वाले हैं। तो आज मैं इन लड्डू बनाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स लेने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये है सूखे खजूर की पाउडर, जो आधा किलो ले रही हूँ मैं। ये है बादाम, जो एक पाव यानी 250 ग्राम्स है। काजू भी मैं 250 ग्राम्स ही लेने वाली हूँ और अखरोट भी 250 ग्राम्स ही है। ये है गोंद, ये 100 ग्राम है। ये मेकिंग नट्स यानी गोलंबी, ये भी 100 ग्राम। ये जागरी हमारी जरूरत के हिसाब से लेंगे हम। और ये है एक डॉल कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस, रोस्टिंग के लिए इजी जाएगा इसीलिए। इसके साथ मैं एक और इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ, पिस्ता। आप इसके साथ मखाना, अंजीर, किशमिश भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम घी को गरम कर लेंगे और इसमें जो हमारा गोंद है उसको अच्छे तरह से फ्राइड कर लेंगे। गरम गरम घी में अगर इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। जैसे हम पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं वैसे ये फूल जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे लड्डुओं को बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर भी आता है और ठंडियों के दिनों में बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। वह ज़्यादा ठंडी नहीं है और ये लड्डू बना रहे हैं तो ये वाला गम ना डाले तो अच्छा है। अब उसी घी में हम वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट रोस्ट कर लेंगे। ये जो नारियल है ये रोस्ट करना ज़रूरी इसीलिए भी है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं और ज़्यादा दिनों तक रखना है तो अगर हम इसे रोस्ट करके लेते हैं तो ये खराब नहीं होगा और इसकी स्मेल नहीं आएगी। नहीं तो अगर हम रोस्ट करके नहीं लेते हैं तो इसकी स्मेल आने लगती है और फिर लड्डू खाने के लायक नहीं रहता और फिर बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी वेस्ट हो जाते हैं। ज़्यादा जलाना नहीं हमको, सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। हो गया है अभी। इसके बाद हम काजू, बादाम, मेकिंग नट, पिस्ता, सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। हमको अलग अलग ड्राई फ्रूट्स अलग अलग ही रोस्ट करने हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग टेक्सचर रहता है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है रोस्टिंग के लिए, किसी को कम टाइम लगता है, इसलिए अलग अलग भुनना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर जिसको कम टाइम लगता है वो जल सकता है। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स हम भून लेते हैं। अगर आप अंजीर और किशमिश यूज कर रहे हैं तो उसे भूनने की ज़रूरत नहीं, और उसमें भी एक स्वीटनेस होती है, तो आपको ये ड्राई खजूर की पाउडर भी कम डालनी चाहिए। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे वन बाय वन ग्राइंड भी कर लेंगे। फिर से आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ग्राइंड करना है, एक साथ हम मिक्स करके ग्राइंड नहीं करेंगे, अलग अलग ही ग्राइंड करेंगे। और ये जो गम है इसे अगर आप ग्राइंड ना भी करें तो भी चलता है, बटर स्कॉच के जैसा उसको टेक्सचर रहता है, तो ग्राइंड ना भी करें तो भी चलता है, ऐसे ही यूज करें तो अच्छा है, लेकिन मुझे करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में वो खाएगा नहीं मेरा बेटा, इसलिए उसे हम बारीक कर ले रहे हैं। तो इस तरह सारी पाउडर रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे खजूर की पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने बहुत ज़्यादा खजूर की पाउडर ली ताकि गुड़ या शक्कर की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हम 250 ग्राम तक
घी डालेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे ये लड्डू बहुत रिच है, इसका रिचनेस और बढ़ेगा और वो लड्डू बनने में भी इजी रहेंगे, इसलिए हमको घी डालना है। आप ज़रूरत के हिसाब के हिसाब से जागरी भी डाल सकते हैं, गुड़। और अब इसको सुंदर सा शेप दीजिए। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो इसी तरह से बनाती थी, इसलिए मैं भी कभी भी लड्डू बनाना हो तो इसी शेप्स में बनाती हूँ। तो इस तरह से हमारे लड्डू तैयार है, आप भी करके देखिए और बताइए कैसे हुए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।